अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अगेन ऑन दी लर्न गो एंड हेल्प। एक बार फिर खुश आमदीद। यार ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने आराम सुकून से देखना है। अच्छा यार, इसमें मैं एक पूरा जो है एक आईडी में ओपन करूँगा, उसमें मैं एक्सटेंशंस को ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद मैं जो आपको ग्रुप निकालना बताऊँगा, ग्रुप निकालने के बाद उनको ज्वाइन करना, उनको चेक करना, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। और एक बात याद रखिए, ये टूल्स कभी कभार जो है न्यू आईडी पर काम नहीं करते। और दूसरा, अगर आपकी विंडो की सिक्योरिटी ऑन हुई है तो तब भी ये इशू कर सकते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, इसको आराम सुकून से चेक करना है। अगर कोई इशू हो भी जाता है तो कोशिश किया करें खुद रिजॉल्व कर लिया करें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैसेजेस मत किया करें, बंदा डिस्टर्ब होता है और भी बंदा काम कर रहा होता है। तो काइंडली देखें, आपको इतना फ्री में चीज़ सिखाने का बताने का मकसद यही है यार कि आप लोग आराम सुकून से सीख लें। अगर आपको कोई मसला होता है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन छोटी सी बात, अगर कोई एक्सटेंशन नहीं चलती, आप कोई और आईडी चेक कर लें, कोई और पीसी चेक कर लें, थोड़ा सोल्यूशन और निकाल लिया करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और मेरे जो पेजेस हैं, मेरे जो ग्रुप्स हैं फेसबुक के, आप उनको शेयर करें, ताकि काफ़ी लोगों को, कम्युनिटी जो हम बना रहे हैं, वो काफ़ी लोग इस पर आ सकें और सब फ़ायदा उठा सकें। अच्छा तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यू कैन ज्वाइन माई टीम। बिल्कुल ठीक आपने देखा है, आप मैं एक शेयरिंग टीम बना रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं यार, उसमें मुझे वही लोग चाहिए जो मेहनत करने वाले हैं। उनको मैं आईडीज़ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। आईडीज़ मुझसे बाय कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0337920996। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, ठीक है ना, काफ़ी अपने फेसबुक ग्रुप का, अपने पेजेस का, अपने व्हाट्सअप ग्रुप का, ताकि आप वो ज्वाइन करके जो टीम में मेरी शामिल होना चाहता है वो शामिल हो सकता है। नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, आपको इसमें शेयरिंग करके आपको पैसे दिए जाएंगे और आपके हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैं ये प्रेफर करूंगा, आपके पास सेटअप बड़ा होना चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा सेटअप होगा, उतने ही आप डेली के अच्छे अर्न करेंगे। आप बेशक सुबह काम करते हैं तो ये हमारा काम स्टार्ट हुआ करेगा शाम 6 के बाद, ठीक है। उसकी ये रीज़न है, जब शाम 6 को काफ़ी लोगों की छुट्टी हो जाती है ऑफिस से, तो वो घर आ जाते हैं, तो उसके बाद ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये वो काम कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिटेल्स दे चुका हूँ, आप यहाँ पर मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, अगर आप अपना सेटअप भी बनाते हैं तो मिनिमम आईडीज़ जो आपने अरेंज करनी है वो 500 आईडीज़ मिनिमम सेटअप आपके पास होना चाहिए। उसकी ये रीज़न है यार कि आप सेम आईडी से बार बार शेयर करेंगे ना, तो वो फेसबुक जो ना रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि आप डेली शेयरिंग कर रहे हैं 4 से 5 आईडीज़ में, 6 आईडीज़ में, तो फेसबुक क्या करेगा यार कि डेली शेयरिंग हो रही, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा आईडी को। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये बात है कि आपने आईडीज़ ज़्यादा सेटअप क्रिएट करने हैं। लेट्स सपोज आपके पास 500 आईडीज़ का सेटअप है, तो आपने पहले एक दिन 250 आईडीज़ से शेयरिंग कर ली, फिर उस अगले दिन जो दूसरे जो आपके पास 250 आईडीज़ पड़ी होंगी, आपने उससे शेयरिंग करनी है, ठीक है। अब मैंने आपको पूरा तरीका पीछे बता दिया कि किस तरह आपने ब्राउज़र जनरेट करने हैं, उसके बाद आपने ग्रुप्स को निकालना है, ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, आईडीज़ लॉगिन करनी है, वो सारी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में दी हुई है। अगर आप कोई बंदा न्यू है तो मेरी पिछली वीडियोज़ देख सकता है। उसके बाद आपने फोल्डर बना लेना है, तो फोल्डर में आपने लेट्स सपोज ए पहले 250 आईडीज़ रख लेनी है और दूसरे फोल्डर में भी आपने 250 आईडीज़ रख लेनी है। उसमें जब आप रख लेंगे, पहले दिन आपने 250 आईडीज़ शेयरिंग कर ली, अगले दिन इन आईडीज़ को आपने रेस्ट देना है। जब आप इनको रेस्ट दे देंगे, फिर आपने नेक्स्ट जो है 250 आईडीज़ से शेयरिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरह करके जो है आराम से जो अपना एक डेली अच्छी इनकम अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मैंने आपको ये रिकमेंड किया कि आपके पास आईडीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, अगर आप अपना काम भी कर रहे हैं या मेरे साथ भी आप अटैच हो रहे हैं। तो अगर आपको आईडीज़ अरेंज कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं, आप खुद भी अरेंज कर लें, मेरी टीम में आ जाए। आज हम बात करेंगे टूल्स की। जो टूल्स मैंने आपको पहले भी दिए हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप्स के आईडीज़ निकालना, उनके नंबर्स वगैरह निकाल के फिर उनको हमने साइट पर लिखे, और मैंने आपको 2-3 तरीके बताए किस तरह आप ग्रुप निकाल सकते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले जो 3 टूल बताऊंगा, सबसे पहले एडमिन पोस्ट चेकर टूल है। लेट्स सपोज आपने जो लिंक्स जो नंबर से वो आपने निकाल ली ग्रुप्स के, अब आप ये चेक करना चाहते हैं यार कि क्या वाकई जो एडमिन्स हैं इस ग्रुप के, वो शेयरिंग अलाउ करते हैं कि नहीं करते, वो हमारी पोस्ट पेंडिंग में तो नहीं डाल देते या हमारी पोस्ट को रिजेक्ट तो नहीं करते और वहाँ पर एक एडमिन अप्रूवल लगा हो। तो जब एडमिन देखेगा आपकी वीडियो को तो क्या कहेगा, ये वीडियो तो इससे और जब वो एडमिन देखेगा कि ये वीडियो है और आपका जो उसका जो ग्रुप है वो वीडियो से रेलेवेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए जो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो पोस्ट चेकर टूल है वो मैं आपको दूंगा आज। उसके बाद ग्रुप ज्वाइनिंग टूल, ये भी बहुत अच्छा टूल है, आप यूज़ करें। थर्ड टूल जो आता है ऑटो ग्रुप शेयरिंग टूल, ये वाला एक बहुत ही ख़तरनाक टूल है। इससे जो है आईडीज़ डिसेबल बहुत ज़्यादा होती हैं, नंबर वन थिंग। आपका पेज बहुत जल्दी रेड हो जाता है, नंबर टू थिंग। इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने खुद चीज़ आजमाई हुई है। काफ़ी लोग कहते हैं ऑटो शेयरिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैनुअली काम करेंगे तो आपके पास क्या होगा, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और आपकी जो आईडीज़ वो भी सेव रहेंगी और पेज होगा वो भी सेव रहेगा। अगर तो आप ऑटो शेयरिंग कर लेंगे और आप हर आईडी पे ये टूल्स लगा लेंगे और फिर शेयरिंग करेंगे, ऑटो शेयरिंग होगी डेली की,
तो क्या होगा, फेसबुक को डिटेक्ट हो जाएगा कि यार ये जो शेयरिंग हो रही है ये किसी टूल से हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो सेम पैटर्न होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सेम पैटर्न से जो वो फेसबुक का एल्गोरिथम जल्दी डिटेक्ट कर लेता है चीज़ों को, और इसलिए मैं जो है ना ऑटो शेयरिंग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, मैं ये टूल नहीं दूँगा, ठीक है। बाकी जो टूल है ये दो टूल मैं आपको दूंगा आज, आप इसको यूज़ कर कर ग्रुप निकाल कर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। और ये जो पहले लोग काम करते थे सारे मैनुअली काम करते थे, अब जो है लोगों को पास इतनी सहूलत आ चुकी है वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये इशू होता है, जो ग्रुप के जो आप आईडीज़ निकालते हैं उसमें ये पता नहीं होता कि ये इंडिया का ग्रुप है, ये पाकिस्तान का ग्रुप है, ये बांग्लादेश है, यूके का, ये चाइना का, या किसी भी कंट्री का, वो अपने खुद चेक करना होगा। वो मैंने वीडियो में बताया डिटेल में, आप आराम से सुकून से पूरी वीडियो देखिएगा। उसके बाद मैंने वीडियो शेयरिंग वीडियो टैगिंग मैंने आपको बताई है किस तरह जो है आप बाकी दोस्तों की प्रोफाइल फाइल के ऊपर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उससे भी व्यूज़ आएंगे आपको, तो मैंने पूरी डिटेल में चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नए जो मैंने तीन टूल बताए हैं, सबसे पहला जो टूल है वो एडमिन पोस्ट चेकर टूल है। मैंने जो है तीनों को ऐड कर ली है एक्सटेंशन, मैं आपके लिए ये जो टूल लेकर आया हूँ आज मैं आपको प्रॉपर एक तरीका बताऊँगा कि किस तरह हम लोग ग्रुप की लिस्ट निकालेंगे, उन ग्रुप को फिर हम लोग चेक करेंगे यार कि इनमें पोस्ट अप्रूवल है कि नहीं है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसको ज्वाइन करेंगे एक आईडी के अंदर, फिर उससे हम लोग ऑटो शेयरिंग करवाएंगे। तो ये चार टूल्स मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। और वैसे मैंने पिछले जो ग्रुप आईडी एक्सट्रैक्टर टूल था वो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं और किस तरह ये डेवलपर मोड में अपने एक्सटेंशन को ऐड करना है मैंने ये भी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप आराम से देख सकते हैं इसको। और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो मेरा फेसबुक का ग्रुप है वो जल्दी से आप सब ज्वाइन कर लें, उसमें मैं और मज़ीद टूल्स लाऊंगा और मज़ीद वीडियोज़ जो इससे रिलेटेड होंगी मैं लेकर आऊँगा। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, तो मैं आपको डिटेल में वीडियो और दोबारा से वो रिपीट किया करूँगा कुछ स्टेप्स को, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अभी भी काफ़ी लोगों को इश्यूज़ आते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये टूल्स जो हैं न्यू आईडी पे वर्क नहीं करते कभी कभार, तो उसमें इशू आ सकता है, काफ़ी लोगों को मसला होता है तो फ़ौरन मैसेज कर देते हैं, या थोड़ा सा आप लोग ख़ुद भी मतलब हिम्मत किया करें, कोशिश किया करें पहले, तो ये जो टूल है ये नई आईडी पे वर्क नहीं करते, एक बात याद रखिए। दूसरा, अगर आपको मसला आता है तो विंडो का, अगर आपको दूसरा मसला आपको ये आ सकता है कि जिसमें आपका इशू बन सकता है कि भाई आपकी, और दूसरा जो मसला आपको आ सकता है वो ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी होगी विंडो की वो फाइल्स को उड़ा देगी, तो आपने क्या करना है कि विंडो की सिक्योरिटी को ऑफ़ कर देना है, या तो विंडो को अपडेट नहीं करना है या विंडो की सिक्योरिटी को ऑफ़ कर देना है। तो ये दो जो मेन मसले आते हैं बेसिकली तो यही होता है। अब मैं आपको सबसे पहले आईडीज़ निकालना, जो ग्रुप के लिंक्स है वो निकालना दिखाऊंगा, ग्रुप आईडीज़ जिसे हम कह सकते हैं। अब ये ग्रुप है, ठीक है, ये आई थिंक ये देखें, अब ये 3 अप्रैल की वीडियो है, ठीक है, और देखें इस पर 30190 के शेयर्स हैं, ठीक है, 190 के शेयर्स हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं। आप ये देखेंगे कि ये ग्रुप जो ग्रुप की लिस्ट है ये हमारे किसी काम की है कि नहीं है, तो उसको निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपने इस पर टाइम पर क्लिक करना, सबसे पहले मैं अगेन रिपीट करूँ पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ है, देन आपने क्या करना है, जब ये आपके पास आ जाएगा तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है डबल क्लिक, तो आपने क्लिक करना है URL में, www आपने रिमूव कर देना है, यहाँ पर लिखना M और इंटर कर देना है। जब आप यहाँ से इसको इंटर कर लेंगे उसके बाद आपके पास वीडियो कुछ इस तरह आपको नजर आएगी, मोबाइल फॉर्मेट आपके पास खुल जाएगा। जब टाइम पर दोबारा क्लिक करेंगे आपके पास एक ये नंबर होगा, एक पिछले वाला नंबर होगा, जो आगे वाला नंबर होगा आपके पास ये सीरीज़, आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ये एक्सटेंशन ओपन करनी है। अब मैंने इन एक्सटेंशन को बुकमार्क बनाया हुआ है और मैं यहाँ से अब इसको पोस्ट करूँगा, तो देखिएगा यहाँ से कितने ग्रुप निकलने शुरू हो जाएंगे, तो जितनी भी ग्रुप की लिस्ट होगी ये सारी आने शुरू हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अभी ये ग्रुप लिस्ट निकलती है तो मैं इसमें से कोई चंद ग्रुप्स उठाता हूँ और उनको कॉपी कर लेता हूँ, लाइक कॉपी कर लिया मैंने। अब मेरे पास एक और एक्सटेंशन है जिसमें हम लोग इसको सेव करेंगे, तो ये अब देखें ये एक्सटेंशन इस पे काम नहीं करेगी क्योंकि ये बिल्कुल न्यू आईडी है। अब मैं आपको बिल्कुल न्यू तरीके से एक एक्सटेंशन ऐड करना सिखा देता हूँ फिर से। आपने यहाँ पर आना है एक्सटेंशन में, डेवलपर मोड ऑन करना है। डेवलपर मोड ऑन करने के बाद आपने लेट्स सपोज मैंने यही एक्सटेंशन मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ कि यार ये क्या वाकई ये आईडी पुरानी है कि नहीं। एक तो आईडी को आप चेक कर सकते हैं, आईडी एक्टिविटी लॉग में जाएंगे तो वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा यार कि ये पुरानी है। अब अगर देखें ये तो आईडी पुरानी है तो ये अब्दुल्ला उजैर ये इसने उठा लिया। अब बाकी सब एक्सटेंशन भी जल्दी से हम लोग ऐड कर लेते हैं। जो ग्रुप चेक करने हैं वो ये है, मैंने कॉपी किए हुए मैं पेस्ट करूँ, देखिए आपके पास ये ग्रुप आईडीज आ चुकी है, आपने नीचे जाना है और चेक पे क्लिक कर लेना है।
अब देखिए, मैंने ये आइडियाज़ जो उठाई हैं ग्रुप्स की, वो मैंने एक ऐसे पेज से लिए हैं जो ऑलरेडी शेयरिंग कर रहे हैं, तो शेयरिंग वो भी उन्हीं पेजों पे करते हैं जिस पे अलाउ होती है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे ही जो पेजेस हैं वो उस पे अलाउ हुआ हुआ है। अगर तो पोस्ट अलाउ नहीं होती तो यहाँ पर वो इस रेड वाले सेक्शन यहाँ पर वो आ जाता, फिर इस मतलब ये होता कि ये जो पेजेस हैं इस पे वो पोस्टिंग अलाउ नहीं कर रहे। अब हमारे पास ये चीज़ हो चुकी है। अब मैं अगली एक्सटेंशन ओपन करता हूँ जिसमें हम लोग ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, तो वो हमारे पास, मैं यहाँ पर सबको पिन कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार यहाँ पर मत आना पड़े। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और देखिए जब यहाँ पर आएगी तो ये देखें, अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर देखें, देखा जो नाम होगा वो लाजमी शो हो रहा होगा यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है आपको। अब इसका मतलब ये है कि जो ये आईडी एक तो पुरानी है और ये आईडी उठा ली गई है, और जब भी हम ये टूल ओपन करेंगे तो यहाँ पर अब्दुल्ला उज़ैर प्रोफाइल पिक्चर आपको नज़र आ रही है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप 1 मिनट रख लें और यहाँ पर मैक्सिमम 2 की, ज़्यादा वो टाइम नहीं लगाए। आपने यहाँ पर वो सारे, मैंने ग्रुप 30 लिंक्स थे मैंने कॉपी किए, मैंने वो पेस्ट कर दिए हैं, और आप ये देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो है ग्रुप ज्वाइन करने से शुरू कर दिए हैं। अब इसमें दो चीज़ों को खास ख्याल रखना होता है, एक वो जो कि ग्रुप्स हैं वो सारे बड़े हों, उसमें अप्रूवल भी अच्छा लगा हो, और सेकेंड थिंग ये चीज़ देखनी होती है हम लोगों ने यार के जो हमने ज्वाइन किए हैं वो हमारे किसी काम के ग्रुप हैं भी नहीं है, मतलब ये कि वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ के ना हो। आप इन कंट्रीज़ के भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं होगा, उसमें आरपीएम जो होगा वो बहुत कम बनेगा, मतलब पर 1000 व्यूज़ जो पैसे मिलेंगे वो बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए मैं जो अब चेक करूँगा, देखिए अब ये जो बीच में जो ग्रुप्स होंगे उसमें आप थोड़े चेक करके, ओपन करके चेक कर भी नहीं लेना है, आपने थोड़े बहुत ग्रुप्स को ओपन चेक कर लेने। देख अब देखिए इसमें इंडिया के ग्रुप भी आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए आपको इंडिया के ग्रुप्स भी इसमें नज़र आ रहे हैं। अब इसमें इशू ये है कि अब ये जब आप ज्वाइन तो कर लेंगे, इसमें पोस्टिंग करेंगे तो इनकी जो इंडिया के लोग अगर वीडियो को देखेंगे तो इतने पैसे नहीं बनेंगे एज़ कम्पेयर टू जो यूरोप कंट्रीज़ के होते हैं। तो आपने थोड़ा इस पर टाइम लगाना है, और ख़ास तौर पर इस पर आराम से सुकून के साथ आपने जो है वो ग्रुप ज्वाइन करने हैं या वो ग्रुप निकालने हैं जो कि आपके लिए अच्छे हों और जो प्रीमियम कंट्रीज़ के हों। मैंने प्रीमियम कंट्रीज़ का बता चुका हूँ, यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह जो है ये प्रीमियम कंट्रीज़ में आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ पहले भी, और ये देख लें, अब ये ग्रुप हमारे किसी काम के नहीं है, बेशक इसमें मेंबर ज़्यादा हैं लेकिन इसमें इश्यूज़ हैं। तो अब ये जो है इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, और अभी आस्ता आस्ता ऑटोमेटिकली ज्वाइन शुरू कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, आपको मैंने ग्रुप निकालना सिखा दिया। ग्रुप निकालने के बाद ग्रुप अपने चेक भी कर लिए कि किस तरह जो है हम पोस्ट अप्रूवल ग्रुप चेक कर सकते हैं। अब इनमें अप्रूवल नहीं लगा हुआ कि जब हम पोस्ट, तो एडमिन जो है बिल्कुल भी वो चेक नहीं करेगा, जस्ट वो उसको अलाउ करेगा या ऑटो अलाउ हुआ होगा। चली गई है, ये सिर्फ एक ग्रुप है, अगर तो हमारे पास ज़्यादा ग्रुप्स होते तो सब में ये सक्सेसफुली हो जाता। तो ये था मैंने आपको चीज़ बतानी थी किस तरह आपने ऑटो शेयरिंग करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात करूं, आपने ऑटो शेयरिंग नहीं करनी, उस ये रीज़न है आपकी आईडीज़ बहुत ज़्यादा बंद होंगी, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, आप जब भी शेयर करें तो मैनुअल शेयरिंग करें। मैनुअल शेयरिंग से ये होगा कि आपकी जो फेसबुक आईडीज़ भी कम बंद होगी, फेसबुक को लगेगा यार कि वाकई ये बंदा जो है टूल्स यूज़ नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिक शेयरिंग नहीं हो रही, वो बार बार आईडी ओपन करता है फिर उसमें कर्सर मूव करता है। तो आजकल कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आपके कर्सर को भी नोट करते हैं कि बंदा कर्सर कहाँ कहाँ लेके जा रहा है, इवन के कर्सर भी आपका वो ट्रैक हो रहा होता है। तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप शेयरिंग जो है इससे करें। इसके ये नुकसान दो मैं बता चुका हूँ, पेज जल्दी रेड हो जाएगा आपका, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, आपका जो इशू होगा वो यही इशू होगा कि भाई आपकी आईडी जल्दी ख़त्म होने शुरू हो जाएंगी। तो आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, शेयरिंग वीडियो बाय टैगिंग, ये एक टिप है आज के लिए। आपने जो वीडियो देख रहे हैं ये शेयर करनी वीडियो बाय टैगिंग, टैगिंग किस तरह करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपने न्यूज़ फीड पे जो दोस्त होते हैं आपने उनको ये वीडियो शेयर करनी, ठीक है। उस पर यह होगा कि जब आप इस पर शेयर करेंगे ना तो उसके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनको भी ये वीडियो दिखेगी। अगर वीडियो अच्छी हुई है और उसकी रिटेंशन अच्छी हुई तो वो क्या करेंगे, वो और आगे शेयरिंग करेंगे, स्टोरी पर शेयर होगी। नंबर वन थिंग, शेयर ऑन फ्रेंड्स प्रोफाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपके पास है, इसमें आपने ये शेयर करने। लेट्स सपोज आपके पास जो अच्छे लोग हैं, लेट्स सपोज जो जिनकी प्रोफाइल अच्छी ग्रो हुई हुई है, जो डेली यूज़ करते हैं, तो कोशिश करनी आपने उनकी प्रोफाइल पे भी शेयर करना है, ठीक है। अब ये जो शेयर ऑन प्रोफाइल, फ्रेंड प्रोफाइल पे जब शेयर करेंगे तो उसकी जो ये शेयरिंग है वो उसकी प्रोफाइल पे चली जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह ये नज़र आता हूँ, व्यू पोस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वाकई ये शेयरिंग हुई है कि नहीं हुई। तो देखें, ये अब्दुल्ला उज़ैर जी वीडियो शेयर की है, राना अदनान की, ठीक है।
तो ये से बता रहा हूँ, आप इस तरह काम कर लिया करें, जब आप शेयरिंग करते हैं तो एक दो जो है लोगों को प्रोफाइल पे भी शेयर कर दिया करें, इससे जरा जो अच्छी रिटेंशन और आ जाती है और लोग देखते हैं इस चीज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मेरा मकसद भी यही है कि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें इस चीज़ को और उससे पैसे कमाएं। और एक बात याद है कि आप पॉजिटिव हमेशा आपने रहना, काम साफ करना, अपने किसी गलत चीज़ या गंदे कंटेंट पर नहीं जाना। उसकी ये रीज़न है कि हमने आगे भी कल जवाब देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।